गांव के लोगों ने यहाँ एक बदलाव का जो संदेश दिया है ना, दूर दूर तक अगर हमारे साथ है तो विज्ञान है, संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, हमारे महापुरुष है गुरु रविदास जी हैं, तथागत गौतम बुद्ध जी हैं, तभी समाज में चेंज आ सकता है, बदलाव आ सकता है। जेल तो हमारा आना जाना लगा रहता है, बस विचारों में परिवर्तन करने की जरूरत है। जिस दिन इन विचारों में परिवर्तन हो गया, बच्चे को ये बताने की आवश्यकता है कि अगर हमें विज्ञान संविधान अगर ये अपनाना है तो शिक्षा की तरफ आगे रास्ता हमें बढ़ाना पड़ेगा, और हर एक परिवार शिक्षित बना तो पूरे समाज का उद्धार होगा। छोटे छोटे बच्चों को ये बातें हमें बतानी पड़ेंगी, आगे बढ़ाना पड़ेगा कि समाज में अगर वास्तविक बदलाव करना है। एक बात और ध्यान रखना, मेरे से बड़े भी यहाँ खड़े हैं, मेरे से छोटे भी यहाँ खड़े हैं, महिलाएं भी हैं, माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं। घर की महिलाओं को जागरूक कर दो, आपकी 3 पीढ़ी जागरूक हो जाएंगी। अगर ये काम आपने कर दिया ना, तो देश में एक ही दबदबा होगा, और वो होगा बहुजन समाज का दबदबा, हमारे महापुरुषों का दबदबा, और आने वाली पीढ़ी आपकी हुक्मरान होगी, गुलाम नहीं होगी। जय भीम, जय भीम, जय